आपने मुझे मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पर आज सदन में माननीय 28 सदस्यों ने अपनी बात रखी और इस कटौती प्रस्ताव में लगभग 46 माननीय सदस्यों ने 146 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद आभार अभिनंदन प्रकट करता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर विभाग की तरफ से आपको जवाब उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे दिन से इस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण बजट पर और अपनी मांगों पर माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है। मैं कुछ बोलूं इससे पहले मेरी बात उन महापुरुषों के चरणों में नमन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फूले, आदरणीय महात्मा गांधी जी और आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया और इस देश के संविधान की प्रस्तावना से लेकर आज क्रियान्विति तक देश आजादी के 75 साल बाद भी ऐसे मजबूत नेतृत्व के हाथों में खड़ा है, जहां विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था की ओर अग्रसर है, मजबूत सैन्य शक्ति की ओर अग्रसर है और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 1962 के बाद 62 वर्षों में देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही दल के नेता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जीत नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये जीत है गति की, ये जीत है नीति की, ये जीत है अंतिम पंक्ति की, ये जीत है प्रकृति की, ये जीत है ज्योति की, जीत है विरासतों के प्रीत की, जीत है कर्म के धर्म की, जीत है ये देश प्रदेश की, जीत है नए युग के प्रवेश की, ये जीत है हिंदुस्तान की, ये जीत है राजस्थान की और ये जीत है जनता जनार्दन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं सुबह से माननीय सदस्यों के प्रस्ताव को सुन रहा था तब मैंने ये कहा कि आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि देश की आजादी के बाद में जब से संविधान लागू हुआ और आजकल संविधान को बचाने की बड़ी जुगत चल रही है और बड़े बड़े नेता ये संविधान की किताब लेकर संसद हो चाहे संसद के बाहर वो अपना प्रदर्शन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि संसद में ये किताब हाथ में लहराने से इस संविधान के प्रति अपनी निशा जाहिर होती है कि नहीं होती है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने संविधान को पढ़ा भी नहीं है और इस संविधान की प्रस्तावना के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय ये लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजोल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटो सॉवरेन सोशलिस्ट सिक्योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। ये माननीय सभापति महोदय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ में जिस संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है माननीय सभापति महोदय जब कोई व्यक्ति संविधान की किताब को हाथ लेकर संविधान को बचाने की संविधान को नहीं तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन समझना होगा ये वही संविधान है जिसके आधार पर देश चलता है, लेकिन वो देश उस समय कहाँ चला जाता है, देश की आत्मा संविधान कहाँ चला जाता है जब देश में टुकड़े टुकड़े करने वालों की जय जयकार करने वालों के साथ में विरोधी दल के नेता जाके खड़े हो जाते हैं। क्या संविधान उस समय जिंदा नहीं रहता है? क्या संविधान को मानने वाले उस समय कहाँ हो जाते हैं जब ये बात कही जाती है सार्वजनिक रूप से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे वक्तव्य देने वालों के खिलाफ में व्यक्ति खड़ा होता है तो मेरा माननीय सभापति महोदय इस बात के लिए ऑब्जेक्शन है कि इस बात के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मेरी बात एक भी इस सदन में कभी झूठी हो तो मेरी बात को वापस लेने को तैयार हूं। ये सामाजिक अधिकार रिकॉर्ड बात है, ये सामाजिक न्याय उसके सिद्धांतों की मैं बात करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय।
अध्यक्ष जी और तो और माननीय सब अध्यक्ष महोदय टुकड़े होंगे भारत के टुकड़े करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय शब्दों तो बात करें ना जी संसदीय विभाग के अंदर भारत के टुकड़े कैसे होने देंगे ये तो जो ये कैसे कर रहे हैं ये थोड़ी होने दे रहे मैं ये कह रहा हूं कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने ये आपके नेता प्रतिपक्ष ने देश में ये बात कही है और मैं वादा करता हूँ मैं चुनौती देता हूँ मैं साबित कर दूंगा आपके नेता ने ये बात कही है आपके नेता ने कही है ये बात है और माननीय अध्यक्ष महोदय आपको तय जहाँ सक्सेस रेट हमारी सरकारी विद्यालय में 33% के करीब मानी जाती है इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा माननीय अध्यक्ष महोदय। और मैं फिर कहना चाहता हूँ देश के संविधान की बातें करने वाले नेहरू जी ने 16 बार संविधान को बदला, इंदिरा जी ने 31 बार संविधान को बदला, राजीव गांधी ने 11 बार संविधान को बदला, सोनिया गांधी ने 6 बार संविधान बदला और देश में 100 से ज्यादा बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, पिछले दिनों संविधान को हाथ में लेकर संविधान बचाने की बातें की गई, जिस जातिवाद तुष्टिकरण के आधार पर जिस संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक समानता की बात कही गई माननीय मंत्री जी, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष विषय पे आइए मैं बात करना चाहता हूँ माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मेरी बात अगर एक भी गलत हो तो मेरा शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूँ। और इससे बात माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय बात करें, अंग्रेजों ने वोट डालो राज करो की नीति के आधार पर भारत को कई सालों तक गुलाम बना के रखा और उसके बाद कांग्रेस स्थापना के बाद में इस देश को जातिवाद तुष्टिकरण के आधार पर बांटकर देश को गुलाम बनाने का फिर से प्रयास किया है। असंसदीय होगा, असंवैधानिक होगा तो मैं देखूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष असंसदीय माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ नहीं, अरे आप कुछ नहीं जवाब आ रहा है, रामचरित आप सुनिए, आप बोलिए। मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय आप अपना ये सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय पे विषय रखिए और एक एक बात का जवाब दूंगा, आप लोगों को बैठकर सुनना होगा, विषय रखिए आप लोगों को बैठकर सुनना होगा। ये सारी जो बातें मेरे पास है सामाजिक न्याय अधिकार विभाग से जुड़ा हुआ है। और माननीय सभापति महोदय आज माननीय अध्यक्ष महोदय विपक्ष और संगठित शक्ति द्वारा जातिगत आधार पर बांटकर, और मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान की बात करता हूं और पिछली बार माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार ने नेता प्रतिपक्ष महोदय मैं आपके आपके सरकार की आपके सरकार के क्रियाकलापों के बारे में बात करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसे विचार करूंगा। मेरा जो सरकार ने असंसदीय होगा असंवैधानिक होगा तो हटेगा, 30 जातिगत आधार पर संसदीय असंवैधानिक होगा तो देखूंगा, ये मैं देखूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, असंवैधानिक होगा तो मैं देखूंगा। पिछली बार राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार ने 30 जातिगत आधार बोर्डों का गठन किया, उसमें से मात्र 4 बोर्डों के अंदर नियुक्तियां हुई और 26 बोर्ड में कोई किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं हुई। जिस तरीके से राजस्थान में जिले बनाए गए और आचार संहिता से एक दिन पहले 3 जिले बनाकर लोगों को भ्रमाने का काम किया गया, उसके बावजूद आपकी राजनीति महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। अगर ये 30 बोर्ड आपने नहीं बनाए तो बताएं, ये 30 बोर्ड माननीय अध्यक्ष महोदय पिछली सरकार ने बनाए जातिगत आधार पर इस हिंदू समाज को बांटने के लिए, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बांटने के लिए ये 30 बोर्ड बनाए, महज नियुक्ति इन 4 बोर्डों के अंदर हुई है। ये 26 बोर्ड आज भी बिना अध्यक्ष बिना कार्य समिति के ऐसे कैसे चल रहे हैं, जो 30 बोर्ड जातिगत आधार पर आप लोगों ने बनाए हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज भी माननीय सदस्यों ने विपक्ष की सदस्यों ने आज भी जातिगत आधार बनाकर राजस्थान के समाज को बांटने का प्रयास किया, कभी ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग किया गया होगा जिससे राजस्थान की होगा तो मैं हिंदू समाज के अंदर बंटवारा हो जाए। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा इतना सा निवेदन है
जिस सामाजिक न्याय की आप लोग बात करने का झूठा ढोंग करते हैं, अगर आप हिम्मत है तो आप लोग बैठकर सुनिए मेरी बात को। मेरा एक एक शब्द राजस्थान की 8 करोड़ जनता के कल्याण का होगा। एक शब्द मैं गलत नहीं बोलूंगा और मैं जो बोलूंगा डाटा के साथ बोलूंगा, आंकड़े के साथ बोलूंगा, और मेरी बात अगर एक भी गलत हो जाए तो जो आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार, मेरा शब्द वापस लेने के तैयार हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख के अंदर मैं बात करता हूं सामाजिक न्याय के इस बजट के बारे में। जब इस बार सामाजिक न्याय अधिकार विभाग का 2024-25 का जो बजट था वो 2,90,219.40 करोड़ रुपए का पूरा राजस्थान का बजट था, और उसमें से 17,559.25 करोड़ रुपए ये राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकार विभाग का बजट था, और इस बजट की राशि 6.05% के करीब है। अपने स्थानों पे जाओ, माननीय सभापति महोदय स्थानों पे जाओ। ये जो बजट है, आगे ना एमपी, ये जो बजट है, बोलो चलो, आप बोलो, आप बोलो। ये जो बजट है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले राजस्थान सरकार ने 4,023.40 करोड़ रुपए अधिक, मतलब पिछली बार से 30% अधिक बजट हमने इस सामाजिक न्याय अधिकार विभाग का दिया है। और मैं विभाग का कुल बजट के बारे में भी आपको निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारा सामाजिक न्याय अधिकार विभाग हो चाहे हमारा निदेशालय विशेष योग्यजन हो, हमने हर मद के अंदर बजट को बढ़ाकर पेश करने का काम किया है। और ये बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने राजस्थान के इतना ऐतिहासिक बजट दिया है। और तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार के समय 2023 और 2024 के समय राजस्थान सरकार की तरफ से, कांग्रेस सरकार के समय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का जो कुल बजट था 2,58,883.68 करोड़ रुपए का बजट था, और इस बार हमने 2,90,239 करोड़ के करीब बजट रखा। पिछली बार बजट 5.22% था और इस बार हमने 6.05% का करीब बजट रखा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग की उन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बजट का प्रावधान है ये 14,129 करोड़ है, और इसमें कुल लाभान्वित संख्या 99 लाख के करीब हमारी लाभान्वितों की संख्या है। छात्रवृत्ति योजना हो, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हो, छात्रावास योजना हो, अम्बेडकर बाउचर योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, पालनहार योजना हो, सिल्कोसिस योजना हो, ऐसी वो तमाम योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय जिसके विस्तृत बजट के बारे में इस बजट में प्रावधान किया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के विजन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और हमारी उपमुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी का, जिन्होंने बजट पेश किया, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक बजट के अंदर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को ऐतिहासिक शामिल रखा। हमारी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के कुशासन के बावजूद आमजन को राहत पहुंचाने के लिए बजट के स्वरूप को बढ़ाकर विकसित राजस्थान 2047 का स्वरूप दिया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन है। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय उस बात को कोट करना चाहूंगा जहां हमारे परम पूज्य गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर जी ने एक स्थान पर कहा है कि श्रद्धा के साथ कुछ कष्ट उठाते हुए स्वार्थों को तिजानी देते हुए जो दिया जाता है वही सच्चा समर्पण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सबको विदित है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग वृद्धजन महिलाओं बालकों पशुपालकों तथा समाज के दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु प्रावधित SCSP MTSP फंड्स को 1,000 करोड़ रुपए की राशि से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार, बालिकाओं को संबल तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रथम बार 150 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी राज्य सरकार ने किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान एवं राहत प्रदान करने हेतु अनुजा निगम अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने हेतु इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। 2023-24 में विभाग विशेष योग्यजन विभाग अनुजा निगम के कुल बजट प्रावधान राशि रुपए
13,536.16 करोड़ रुपए की तुलना में 30% की वृद्धि करते हुए इस बार राशि 4,023.40 करोड़ की वृद्धि की और हमारी सरकार ने इससे परिवर्तित आय व्यय अनुमान में कुल राशि रुपए 17,559.25 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना का प्रारंभ पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किया था। इस योजना के अंतर्गत समाज के ऐसे परिवारों के बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे अर्थात अनाथ हैं एवं जो निर्धारित देखरेख एवं संरक्षण की श्रेणी में आते हैं ऐसे बच्चों के निकटतम रिश्तेदार परिचित व्यक्ति को निर्धारित मापदंड के अनुसार पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक वातावरण में शिक्षा भोजन वस्त्र अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रति छात्र प्रतिमा 1500 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान बजट में 1110 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है जिससे से जून 2024 तक 311 करोड़ रुपए की राशि का व्यय अभी तक किया जा चुका है। विशेष योग्यजन के क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं में 238 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था जिसके अंतर्गत 19,522 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न योजना में 171.30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है जिसके तहत 11,464 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सिल्कोसिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवारजनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अधिकृत चिकित्सा अधिकारी एवं अपीलित जिला स्तरीय बोर्ड के द्वारा प्रमाणीकरण किए जाने पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। पहले आप सिल्कोसिस राशि के अंदर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसकी डिटेल में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रथम बार राजस्थान में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित विशेष योग्यजनों को 1,00,000 रुपए तक व्हील चेयर दिए जाने वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई है। इससे पुरुष रोग से ग्रसित विशेष योग्यजनों के लिए अब तक से कोई योजना संचालित नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा हमारी सरकार ने पेंशन में 15% राशि बढ़ाकर आम आदमी को आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया है और सामाजिक सुरक्षा का पहला आधार हमारी सरकार ने 15% बढ़ाकर किया है। आपने क्या किया, चुनावी मौसम में कानून बनाकर न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा में बढ़ाने का काम किया लेकिन आपके पास बजट का कोई प्रावधान नहीं था। आपने सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए अंतिम चुनाव के वर्ष के अंदर जो घोषणा की है लेकिन बजट का प्रोविजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया, राजस्थान की सरकार ने किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ही विभाग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रावासों में रहने वाले बालक बालिकाओं का मानसिक अनुदान 2500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए का छात्र छात्राओं के जीवन को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का कार्य किया है जिस पर राज्य सरकार पर 26.95 करोड़ रुपए सालाना अतिवृद्धि भार आएगा जिसके तहत 870 छात्रावासों के 41,781 एवं 39 देवनारायण आवासीय विद्यालयों के 14,957 छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री मनोज मेघवाल जी ने प्रदेश में एससी ओबीसी के ऋण स्वीकृति की सीमा बढ़ाने तथा प्रदेश के ईडब्ल्यूएस की ऋण स्वीकृति की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया। इस संबंध में हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा पहली बार अनुजा निगम के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का अधिकतम 10 लाख रुपए स्वीकृत करने का प्रावधान पूर्व से ही है। माननीय सभापति महोदय, विभाग की जितनी भी पेंशन योजना है उन सब का भुगतान त्वरित गति से हो रहा है। इनके सब के बंद है, जो बोल रहा है उसी का होता है। हमारे जो बोल रहा है चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र की घोषणा पेंशन से 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 करना जिसमें राज्य सरकार पर 1,323.32 करोड़ का वित्तीय भार आएगा के क्रियान्वयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिल्ला मुख्यालय जून 2024 को राज्य आयोजित करके 88 लाख पेंशन धारियों को 1,037 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए जिसमें सभी जिला मुख्यालय पर लगभग 20 लाख से अधिक हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। मैं यहां सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विभाग द्वारा 31 मई 2024 तक
समस्त लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है तथा जून 2024 महीने का भुगतान भी पेंशन का शुरू हो चुका है। इससे पहले इनको जब बोलने की अनुमति दूंगा चालू हो जाएगा। उस समय पूर्व सरकार इनको बोलने की अनुमति थोड़ी है जो कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब भी बोलने की अनुमति जिसको होती है उसका चालू रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अनुमति होगी आपको चालू हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार के समय नहीं है, पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार के समय नहीं किसी का नहीं है की राशि का भुगतान तीन का भाषण पूरा हो जाए, भाषण पूरा होगा उसके बाद। लेकिन हमने दो बार तीन बार के बाद में संसद महीने की लंबी आचार संहिता के बावजूद ढाई महीने की लंबी आचार संहिता के बावजूद मई महीने का पूरा भुगतान और जून का भी पेंशन की राशि का 25 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान हमने आज दिन तक किया था। और आगे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी एक महीने की पेंडेंसी को भी हम लोग खत्म करेंगे और एक महीना होते ही अगले महीने में जैसे ही शुरू होगा लोगों को राशि है उनको हम लोग देने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, घुमंतू समुदाय जिसके अंतर्गत राजस्थान की 32 जातियां शामिल है, उनमें से कुछ जातियां अनुसूचित जाति में है, कुछ ओबीसी में, कुछ सामान्य वर्ग में शामिल है, परंतु विकास की धारा में ये जातियां पिछड़ गई है। अतः इनके उत्थान हेतु राज्य सरकार विशेष उपाय कर रही है। सर्वप्रथम इनकी पहचान हेतु पहचान प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी आदि विभिन्न बराबर जाति करने बाबत जिलों में घुमंतू सहायता शिविर लगाने की रूपरेखा और ये कल्याणकारी बजट 2024-25 में आवास हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना की घोषणा की है, इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। शिक्षा हेतु सुमेरपुर पाली में आवासीय विद्यालय भी बनाया जाएगा। हमारी सरकार के बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पूरा करने के लिए घोषणा के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए अंबेडकर तीर्थ योजना को शुरू किया जा रहा है, जिसमें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से जुड़े स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ये वो लोग हैं जो ना तो संविधान में विश्वास करते हैं, ना लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में विश्वास करते हैं। इनको विपक्ष होने के नाते सच बातें जो सुनने की आदत नहीं है। ये आगे भी पहले कई बार हमारे सदन को छोड़कर गए हैं, इसमें बहस में भाग उन्होंने नहीं लिया है। इसलिए मैं कहता हूं स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा ये होती है कि आप हमारी कही हुई बातों को सुने, क्योंकि हमने भी आपको सुना। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप एक बात निवेदन करना चाहता हूं, मैंने जो हाउस के अंदर जो कहा है उसमें अगर एक भी मेरी बात अगर गलत हो या मैंने अगर कहीं गलत बात कही जो किसी ने नहीं कही है तो मैं मेरे शब्द वापस लेने के तैयार हूं। लेकिन ये जो लोग हैं ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा बार चुनी हुई लोकतंत्र में सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर यहां तक सरकार को बदनाम करने के लिए जो विपक्षी सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बनी उसके बाद में हमारी सरकार में विभाग की तरफ से 100 दिन की कार्य योजना भी हमने बनाई है। उस कार्य योजना में अधिकतर काम हमने पूरे कर दिए, कुछ काम इसलिए बाकी रह गए चूंकि लोकसभा की आचार संहिता के कारण नहीं हो पाए। और हम विश्वास दिलाते हैं, अब मैं एक एक हमारी कार्य योजना के बारे में पढ़ूंगा, समय लंबा हो जाएगा क्योंकि ये तो विपक्ष को सुनाना था, हमारे साथियों को पता है वो सुनने को तैयार नहीं, इसलिए मैं इसको टेबल कर दूंगा। और माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, इस बार हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंदर बहुत सारी घोषणाएं करी है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न वर्गों में वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की दृष्टि से छात्रावास, आवासीय विद्यालय का निर्माण, आधारभूत सुविधा विकसित करने संबंधी बहुत सारे कार्यों की घोषणा की है। इसके अलावा राजकीय अनुदान छात्रावास तथा गैर आवासीय विद्यालय आवासीय छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया। आवासीय विद्यालय के खिलाड़ियों का मेस भत्ता 4,000 रुपये प्रतिमा किया गया। और नशे की लत जो राजस्थान के लिए बड़ी चिंता का विषय है, इसको ध्यान में रखते हुए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड क्षमता के नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी और इस पर राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए का व्यय जो है आएगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जो विभिन्न जो हमारे सदस्यों ने प्रस्ताव दिए हैं उसके बारे में हम सबको जवाब भिजवा देंगे। और कुछ जो हमारे सदस्य हैं जिन्होंने 2-3 दिन पहले हमसे सवाल भी लगाए थे उसके बारे में निवेदन करूँ कि जो जसवंत यादव जी ने सवाल लगाया था हमने उत्तर भिजवा दिया, ई मित्र को ब्लैकलिस्ट करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और भी कोई समस्या अगर पेंशन के संबंध में आएगी तो हमने नोडल अधिकारी बना दिया है, उसका भी हमने आदेश निकाल दिया है। और जिस पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना के बारे में बात चल रही थी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार की घोषणा थी 2006-07 के अंदर और 2016-17 में इस योजना चली। उसके बाद में जो प्रीमियम राशि है उसका आवंटन नहीं होने के कारण ये 2016-17 में ही बंद हो गई। उसके बाद 17 के बाद हमारी इसके वैकल्पिक रूप से दूसरी दो योजनाएं और चलाई गई, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ
कि जब दो दिन पहले सदन में एक क्वेश्चन लगा तो वरिष्ठ साथी उन्होंने सवाल उठाया कि विगत वर्ष में कितना हुआ, जबकि मैंने उनको उसी समय उत्तर दिया था 16-17 के अंदर इतनी राशि खत्म हुई, खर्च हुई, उसके बाद में योजना बंद पड़ी, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 1 रुपया प्रीमियम का नहीं आया, और उसके बाद हमने अभी मई 24 के अंदर इस योजना को बंद इसलिए किया क्योंकि इसकी एवज में अल्टरनेट में 2 जो हमारी स्कीमें हैं वो ऑलरेडी पहले से चल रही है। और तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के मात्र 10 दिन के अंदर अंदर जब मैंने मंत्री के रूप में शपथ ली, बहुत लंबे समय से जो प्रक्रियाधीन थे हमारे विभागीय कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन का जो काम लंबित था उसको आते ही 70 विभागीय अधिकारियों को और 28 कर्मचारियों को प्रदोनित करके मात्र 30 तारीख को मैंने शपथ ली और 10 दिन के बाद ही हमने इनको उसका लाभ दिया। उसके बाद समय समय पर और जितने हमारे विभागीय प्रमोशन की कार्रवाई है वो भी जारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना, जिसके अंदर राजस्थान के विभिन्न जिलों को हम लोग प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से, ये जो सूची है उसमें लगभग 52 के करीब ऐसी संस्थाएं हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिनके माध्यम से राजस्थान के बच्चों को भविष्य को संवारने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना चलाते हैं और उसमें उन बच्चों को कोचिंग करवाते हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अच्छी नौकरी के अंदर जाए, अच्छा संस्कार लें। इसके लिए समय समय पर जब भी हमें कभी लगेगा इसमें हम और कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे और यहाँ से अच्छे अधिकारी कर्मचारी बनकर निकले। और माननीय सभापति महोदय, बहुत हमारे साथियों ने कहा कि हमारे इस विभाग के अंदर जो दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना थी उसको साकार करने का सबसे बड़ा कोई विभाग है तो ये हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, जहाँ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो सपना है कि समाज के अंतिम छोर पर जो वंचित वर्ग खड़ा है उसको हम लोग सुविधाएं दें, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ें और उसको वापस एक आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से संबल देने का काम हम लोग करने का प्रयास करें। इसलिए राजस्थान में 352 पंचायत समितियां, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक SSO होना आवश्यक है, लेकिन कुछ हमारे पास में कम है, हमने वित्त विभाग को भेज दिया है कि उसकी जब भी वैकेंसी लगाकर इनको पूरा करें ताकि जो व्यक्तिगत योजनाएं हैं, जितनी विभाग की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ है जो राजस्थान की जनता को मिल सके। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से आपने मुझे बोलने का उसे धन्यवाद देता हूं और यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को पारित किया जाए। प्रश्न ये है,